तो दोस्तों, कुछ भी प्रॉब्लम रिपेयर करने का पहले प्रॉब्लम को अच्छा करके आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस तरह प्रॉब्लम आ रहा है। देखिए, ये जो प्रॉब्लम है, इसका ये जो साइड और इसका ये जो लेफ्ट और राइट साइड, दोनों साइड थोड़ा गैप हो गया है। ठीक है, दोनों साइड थोड़ा गैप हो गया। और दोस्तों, मैं कुछ टाइम ऑन करके रखा हूँ, और रखने के बाद देखिए ये थोड़ा ये हिल रहा है, दोनों साइड थोड़ा हिल रहा है। आपको अच्छा करके देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, कभी कभी ये ओके चल रहा है, बट इसका दोनों साइड गैप ये कंप्लीट नहीं हो रहा है। और ये जो साइड, आप अच्छा करके ध्यान दीजिए, ठीक है, ये साइड, इसका दोनों साइड कभी कभी शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, शिफ्ट हो रहा है कभी कभी। ठीक है, और चलिए मैं आपको थोड़ा अच्छा करके दिखाता हूँ, और आप भी देख सकते हो, मैं भी देख लेता हूँ। तो इसीलिए दोस्तों वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा। देखिए, इस तरह जंप कर रहा है, दोनों साइड अप डाउन हो रहा है। और इसी का साथ तो दोस्तों आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसका ऊपर पोजीशन। तो कैमरा थोड़ा ब्लर हो गया, ये लाइट का वजह कभी कभी हो जाता है। तो आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो ऊपर वर्टिकल का ये ऊपर पोजीशन, ये भी थोड़ा जंप कर रहा है। तो इसी तरह इसका प्रॉब्लम है। तो मैं आपको जिस तरह दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है कि आपका नज़र में नहीं आ रहा है। तो ये पोजीशन आप दोबारा बैक करके भी देख सकते हो। ठीक है, तो वीडियो में लॉन्ग नहीं करना चाहता हूँ, तब भी मैं आपको दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि ये कभी कभी ओके चल रहा है, बट इसका दोनों साइड, इसका गैप ये कंप्लीट नहीं हो रहा है, और कभी कभी ये शिफ्ट हो रहा है। देखिए दोस्तों, शिफ्ट हो रहा है। तो चलिए, इसका बैक कवर मैं पिन किया। तो दोस्तों, इसका अंदर एक मोनिटर पिक्चर ट्यूब है, और इसका अंदर जो पीसीबी है, ये मार्केट का लोकल पीसीबी, जो चाइना पीसीबी कहा जाता है। तो दोस्तों, एक्चुअली इसी तरह प्रॉब्लम के लिए जो अधिकतर होता है, ईएसटी प्रॉब्लम से हो सकता है, क्योंकि कभी कभी ये जो चैसिस है, इसका अंदर से चिरिक चिरिक आवाज़ निकल रहा है। ठीक है, इसीलिए दोस्तों ईएसटी को मैं चेंज किया, कुछ भी चेक नहीं किया। तो दोस्तों देखिए, ये जो ईएसटी का नंबर है 1010E, लास्ट नंबर आपको फॉलो करना पड़ेगा, 1010E। तो दोस्तों 1010A अलग सा ईएसटी है, बट ये ई है, तो आपको ई लगाना पड़ेगा। बट दोस्तों, आपको बताना चाहता हूँ, मार्केट का अंदर कुछ ईएसटी दिखा जाता है, ठीक है, जो ईएसटी का 1010E मार्केट का अंदर लोकल आ गया, जो दोस्तों 1010A जैसा काम करता है। पर दोस्तों, मेरा पास ये ओरिजिनल 1010E वाला ईएसटी है। यही ईएसटी आप लगा के देखूंगा कि प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। तो दोस्तों चलिए, मैं लगाने के बाद आपको दिखाता हूँ। फाइनली दोस्तों, ये 1010E वाला ईएसटी, सेम नंबर का ईएसटी मैं लगाया, लगाने के बाद इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, एक्चुअली जो चेक करना पड़ेगा आपको ये वीडियो के अंदर देखूंगा। तो इसीलिए मैं देखिए, ये जो रेजिस्टेंस है, जो ईएसटी सप्लाई का अंदर रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस को मैं ओपन किया। ओपन करने के बाद, ईएसटी सप्लाई ओपन करने के बाद, इसका अंदर मैं एक 100 वाट बल्ब कनेक्शन किया। इसका चेक करने का तरीका मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। ये रेजिस्टेंस ओपन किया, ओपन करने के बाद ये जो कैपेसिटर और ये जो डायोड है, ये पोजीशन जो सप्लाई आउटपुट होता है, ईएसटी सप्लाई, उसका अंदर मैं डायमी लोड कनेक्शन किया। मीटर को 200 DC रेंज पर सिलेक्ट किया। अभी एक बार इसी टाइम वोल्टेज चेक करके देखना पड़ेगा कि कुछ सिम्टम मिलता है कि नहीं। तो सप्लाई दे दिया, 100 वाट बल्ब ये जल रहा है, कुछ भी अप डाउन नहीं है। और ईएसटी सप्लाई अभी कितना आ रहा है, 91 वोल्ट। दोस्तों बहुत वोल्ट डाउन है, क्योंकि 110 वोल्ट के आसपास होना चाहिए। तो दोस्तों, जब इसी तरह लो वोल्ट देखेगा, तो ये जो चैसिस है, इसका अंदर एक पीसेट देखा जाता है। पीसेट घुमाने के बाद इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। बट दोस्तों, मैं पीसेट घुमा के भी देखा, दिखाने का बाद मैं देखा वोल्टेज तो बढ़ जाता है, बट चिरिक चिरिक आवाज निकल रहा है। ठीक है, चिरिक चिरिक करके पावर सेक्शन का आवाज, पावर सेक्शन से आवाज़ निकल रहा है। तो मैं थोड़ा इसका आउटपुट सभी वोल्टेज चेक करके देख लेता हूँ। थोड़ा थोड़ा वोल्टेज ये डाउन लग रहा है, क्योंकि इसका ईएसटी सप्लाई डाउन है, इसलिए इसका सब कुछ वोल्टेज थोड़ा डाउन लग रहा है। तो क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसी तरह प्रॉब्लम के लिए तो आपको बताना चाहता हूँ कि वोल्टेज लो थोड़ा सा हाई होगा, तो आपको पीसेट एडजस्ट करना पड़ेगा। बट ये जो चैसिस है, इसका पावर सेक्शन से थोड़ा सा चिरिक चिरिक आवाज़ निकल रहा है। तो दोस्तों चलिए, एक बार ये जो पीसेट है, पीसेट को चेंज करके देखना पड़ेगा, क्योंकि ये पीसेट भी प्रॉब्लम हो सकता है, चॉपर भी प्रॉब्लम हो सकता है।
क्योंकि जो चिरिक चिरिक आवाज़ निकल रहा है ESD से भी हो सकता है। तो दोस्तों आउटपुट सेक्शन का जो डायोड है, सभी डायोड को एक बार अच्छा करके टच करके देखना पड़ेगा कि कुछ भी डायोड ओवरहीट हो रहा है कि नहीं, क्योंकि कुछ भी अलग साइड का सेक्शन शॉर्ट हो जाएगा तो उसी का रीजन से भी चॉपर का अंदर लोड पड़ जाएगा और चॉपर से चिरिक चिरिक आवाज़ निकालेगा। मगर दोस्तों कुछ भी डायोड हीट नहीं है, तो चलिए पी सेट मैं ओपन किया। ठीक है, ये जो पी सेट है, पी सेट ओपन करके एक न्यू पी सेट मैं लगाया। ये पी सेट का ऊपर एक नंबर है 202, मतलब 2K का ये पी सेट है। तो दोस्तों ये पी सेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका ऊपर जो नंबर है आपको सेम नंबर दिख के ये पी सेट लगाना पड़ेगा। तो इसी तरह मैं सेम पी सेट अलग से न्यू पी सेट लगाया, 202 मतलब 2K का पी सेट है ये, 2K पी सेट यहाँ पर ही लगाना पड़ेगा। लगाने का बाद चलिए मैं एक बार वोल्टेज चेक करके देखूंगा। अभी मैं इसका न्यू ESD ओपन नहीं किया और ESD सप्लाई में ओपन करके रखा हूँ और ESD सप्लाई लाइन का अंदर मैं 100 वाट बार कनेक्शन किया। तो दोस्तों आपको एक हाथ से ये मीटर का कॉर्ड टच करके सप्लाई देके टेस्ट करना पड़ेगा, पर दोस्तों मेरा एक हाथ पर मोबाइल है सप्लाई देने के लिए, तो चेंज करना पड़ेगा कैमरा को, तो इसीलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। सप्लाई देने के बाद साथ साथ देखूँगा कि सप्लाई कितना आ रहा है। अभी ESD सप्लाई 113, मतलब ये प्रॉपर वोल मिल गया। थोड़ा सा वोल्टेज हायर लो होगा तो आप पी सेट घुमा के भी एडजस्ट कर सकते हो। तो अभी ये पी सेट घुमाने का और एडजस्ट करने का ज़रूरत नहीं है, ये वोल्टेज से भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो 113 वोल्ट मिल गया। तो इसी टाइम में बार इसका सब कुछ आउटपुट वोल्टेज चेक करके देखना पड़ेगा जो फर्स्ट आपको दिखाया। तो अभी ये 27 वोल्ट, ये प्रॉपर है। यहाँ पर फर्स्ट टाइम 9 वोल्ट मिल रहा था, अभी 11.4 वोल्ट हो गया जो रेगुलेटर सेक्शन सप्लाई और साउंड IC सप्लाई जो पहले थोड़ा डाउन था अभी 17 वोल्ट हो गया, मतलब लगभग वोल्टेज बराबर आ गया। तो और क्या करना पड़ेगा, चलिए मैं ESD सप्लाई कनेक्शन करूँगा। ठीक है, करने के बाद आपको दिखाता हूँ। फाइनली दोस्तों पुराना ESD मैं यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, क्योंकि ESD खराब नहीं है और ये ESD लगाने का पहले पीसेट को मैं जब चेंज किया इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो दोस्तों इसका दोनों साइड इसका कुछ भी गैप नहीं है, पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है तो अंदाजा से कुछ पार्ट्स को चेंज करके भी देखना पड़ता है, जिस तरह मैं ESD को फर्स्ट टाइम चेंज किया, क्योंकि ESD प्रॉब्लम से भी हो सकता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया ओनली वन पीसेट चेंज करने के बाद। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आपको क्या बताऊँगा कि आप फर्स्ट एक बार देखिए, ये प्रॉब्लम पूरा सॉल्व हो गया। मैं लॉन्ग टाइम टेस्ट करके देखा, इसका कुछ भी गैप नहीं है ओनली ये पी सेट चेंज करने के बाद। तो दोस्तों ये वीडियो आप अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ये चैनल पर आप नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है दोस्तों, और ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉलो कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप पर सब कुछ फ्री में डिस्कस कर सकते हो ज्वाइन होने के बाद। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।